एक भारतीय बंदे को अरेस्ट किया गया है रीजन शर्खिया में यानी कि दमाम के रीजन में एक इंडियन को अरेस्ट किया गया है दोस्तों आखिर वजह क्या है इसको क्यों अरेस्ट किया गया है इसको बहुत बड़ी वाली सज़ा जो है सुना दी गई है इसने जुर्म कबूल कर लिया आखिर इसने किया क्या कि है आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों वीडियो पूरा आखिर तक देखिए अगर आप सऊदी अरब में हैं तो ये वीडियो को देखिए भी और आगे शेयर करिए और इस तरह की हरकत बिल्कुल भी सऊदी अरब में मत करना अगर ये करोगे तो बहुत बुरी सज़ा में फंस जाओगे सऊदी अरब में तो दोस्तों ये बंदा शर्किया रीजन में काम करने वाला बंदा है इंडिया का रहने वाला है तो ये बंदा जो है किसी लड़की के साथ हरासमेंट किया है हरासमेंट यानी कि हो सकता है छेड़खानी किया होगा हो सकता है कुछ बहस हुआ होगा हो सकता है उस टाइम पे उस लड़की ने केस कर दिया होगा तो ये लड़की केस करने के बाद में एफ़ करने के बाद में जो है शर्किया रीजन की जो पुलिस है उस बंदे को ढूंढ के जो है अरेस्ट कर लिए उसके बाद वो बंदे ने जो है अपना जुर्म कबूल कर लिया है कि मैंने हरासमेंट किया है इस लड़की के साथ करके तो दोस्तों हरासमेंट की क्या सज़ा है सऊदी अरब में इसको कितना जुर्माना लगा है कितनी बड़ी सज़ा मिली है क्या मिली है हाँ ये नहीं है कि इसको चोप चोप कर देंगे यानी कि गर्दन काट देंगे ऐसा नहीं है हरासमेंट की सज़ा में जो है ना कुछ कुछ तब्दीलियाँ भी आई है और आपको ये एक नया अपडेट बता रहा हूँ मैं सऊदी अरब में अभी हरासमेंट का केस अगर हो जाते बहुत सारे लोग तकरीबन यमनी लोग पकड़े गए हैं अभी तक चार पांच लोगों का मैं अपडेट न्यूज़ देखा हूँ ठीक है सऊदी अरब में सऊदी गैजेट वगैरह में ठीक है जैसे मैं ट्विटर छाता रहता हूँ तो पता चलता रहता है ना तो ये बंदे का भी मेरे सामने पोस्ट आया तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ तो भैया ये बंदे को जो है ये बंदे को नहीं हरासमेंट अब इसको क्या सज़ा मिलेगी अब ये कोर्ट बेहतर जाने क्योंकि कोर्ट के तरफ से जो फ़ैसला आएगा वही हकीकत होता है सऊदी अरब में लेकिन सऊदी अरब में हरासमेंट की क्या सज़ा है अगर कोई बंदा किसी लड़की को छेड़ देता है तो इस टाइम पे क्या सजा मिल रही है पहले क्या होता था कि अगर किसी लड़की को छेड़ देखो अलग अलग जुर्म की अलग अलग सज़ा है वो कोर्ट पे डिपेंड है सऊदी अरब की गवर्नमेंट पे डिपेंड है सऊदी अरब का जो कोर्ट्स होते हैं वहाँ पर डिपेंड होता है कि आखिर बंदे के ऊपर क्या फैसला आएगा क्या सुनाएंगे यहाँ के लोग ठीक है तो भैया सऊदी अरब में हरासमेंट के अगर केस कर लेते हैं इसमें पकड़े जाते हैं तो इसमें लगभग दो साल की सजा है, दो साल आपको सऊदी अरब के जेल में रखा जाएगा ठीक है उसके बाद आपसे एक लाख रियाल से ज्यादा फाइन लिया जाएगा सऊदी अरब में एक लाख रियाल से ज्यादा फाइन लिया जाएगा सऊदी अरब में ठीक है तो ये हरासमेंट की सज़ा है दोस्तों और सऊदी अरब में अगर आप मौजूद हैं तो इस तरह के इस तरह की हरकतें ना करें देखो सऊदी अरब बदल रहा है उसको लेकर के सऊदी सऊदी अरब की जो आवाम है जो लड़की वगैरह जो भी है अगर आप होटल में काम कर रहे हैं तो बदतमीजी से बात मत करिए क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अगर आपका वीडियो लीकेज हो जाता है थोड़ा सा भी अगर क्योंकि यहाँ हर बंदे के हाथ में आईफोन पकड़ा हुआ होता है जैसे बटन दबाएंगे ऑटोमेटिक कैमरा चालू हो जाता है फिन... बिना फ़ोन का लॉक खोले वो आप वीडियो शुरू कर देता है फोन ठीक है अगर आप किसी के साथ बहस कर रहे हैं तो वीडियो बना के वायरल कर देते हैं सोशल मीडिया पे अगर चला गया तो समझो ये बहुत बड़ा मसला बन जाएगा दोस्तों अभी और एक बात ये बताया गया है सऊदी अरब में अगर आप सऊदी अरब में किसी के साथ हरासमेंट करते हैं लड़कियों के साथ ठीक है छेड़खानी करते हैं तो वो बंदे की वीडियो बना करके इंटरनेशनल मीडिया डाल देंगे ताकि वो बंदे के फैमिली तक जा सके दुनिया को पता चल सके उस बंदे की शक्ल कि ये बंदा जो है लड़कियों को छेड़खानी करने वाला है सऊदी अरब का ये एक नया रूल से ठीक तो है तो संभल के रहिए अगर आप सऊदी अरब में मौजूद हैं तो अपने आप को हिफाजत में रखिए आप होटल में काम खास करके होटलों में कॉफ़ी शॉप में ज़्यादा लड़कियाँ आती है फिर शॉपिंग मॉल्स वगैरह में तो सीधे इज़्ज़त के साथ बात करिए जो भी आपका कस्टमर्स होते हैं ना तो कस्टमर के साथ तो इज़्ज़त से बात करना चाहिए ठीक है इस तरह की हरकत ना करिए उल्टी बात ना करिए अगर वो कुछ बोल रहे हैं अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आपका जो मुदीर होता है मुदीर कोई ना कोई मसरी होता है या कोई पाकिस्तानी होता है या कोई इंडियन होता है या कोई यमनी या कोई सऊदी होता है तो उनको बुला करके वहाँ पर पेश कर देना चाहिए ताकि वो लोग आपस में बहस कर सके क्योंकि ये उनकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है अरबी अरबी से बात करेंगे तो वो लोग सही से समझते हैं ठीक है थीके? अगर इंडियन गुस्से में कुछ बोल देगा वो वीडियो क्लिप बना के डाल देंगे इंडियन हो या बांग्लादेशी पाकिस्तानी कोई भी हो ठीक है तो वीडियो क्लिप बना करके सीधा ये लोग पुलिस को भेजते हैं ठीक है आजकल जो चल रहा है आप लोग देख रहे होंगे जो ट्रैफिक फाइल्स वगैरह जो आ रहे हैं उसमें भी अगर आप रास्ते में गाड़ी सही नहीं चला रहे हैं टेढ़ा मेढ़ा गाड़ी चला रहे हैं जिकजैक करके गाड़ी चला रहे हैं या फिर भगा रहे अगर कोई गाड़ी को कट मार रहे तो पीछे वाला बंदा आपका वीडियो बना करके मुरुर को पेश कर रहा है ये चल रहा है सऊदी अरब में तो आग, अगर आप रोड पर गाड़ी लेकर निकल रहे हैं तो इसका भी ध्यान रखिएगा कहीं गड़बड़ करके जो है भागने के चक्कर में कोई ना कोई वीडियो बना के आपका डाल देगा अगर एक बार आपकी गाड़ी का नंबर मुरूर के पास पहुँच गया तो आपको फाइन आना ही आना है या फिर गाड़ी भी सीज होने के चांस होते हैं ठीक है दोस्तों छोटा सा अपडेट था एक भारतीय बंदे को ये बड़ी सज़ा मिली है अब इसमें देखो दो लाख रियाल दो साल की सज़ा है इसमें एक लाख रियाल जुर्माना है कहाँ से ला के देगा बंदा अल्लाह खैर करे ऐसा काम नहीं करना चाहिए यार सऊदी अरब में चलिए इस बंदे के ऊपर आप लोग क्या बोलना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा मिलते हैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में माँ सलाम आफि